लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली में कत्ल की गई मेजर की पत्नी थी बला की खूबसूरत। देखें शैलजा की अनदेखी तस्वीरें। मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने एक दूसरे कातिल मेजर निखिल राय हांडा को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। खास बात यह है कि शैलजा द्विवेदी की पहचान सिर्फ मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी होना नहीं थी, बल्कि वो कई प्रतिभाओं की धनी थी। पंजाब की रहने वाली शैलजा पहले लेक्चरर थी, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया था और यहीं से उनकी जिंदगी ने उड़ान शुरू की। शैलजा की एक बड़ी खूबी उनका बेहद खूबसूरत होना भी था। शैलजा ने देश की 48 शादीशुदा सुंदरियों में अपनी जगह बनाई थी। शैलजा पंजाब के पुतली घर की रहने वाली थी। उसने डीएवी कॉलेज से ट्रैवल एंड टूरिज्म में ग्रेजुएशन करने के बाद गुरुवार नानक देव विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी और टाउन प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पिछले साल अक्टूबर महीने में हुई मिसेज इंडिया अर्थ के फाइनल में शैलजा ने अपने शहर अमृतसर के साथ पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद शैलजा ने लेक्चरर की नौकरी की और करीब 5 साल तक इस पद पर काम किया। बाद में शादीशुदा जिंदगी के बीच उन्होंने पुणे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मॉडलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली। शैलजा पढ़ाई के दौरान सामाजिक कार्यों में भी जुटी रहती थी। एनजीओ कैंट केयर के अंतर्गत गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया। कल दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा का शव सड़क पर मिला था।